हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ब्लेडर्स और बेब्लेड बर्स्ट के बारे में। एंड इसमें हम ओनली बेब्लेड बर्स्ट से गाची तक लेंगे क्योंकि अभी तक स्पार्किंग एंड नहीं हुआ है, तो मैंने उसके अब तक लिस्ट नहीं बनाई है। सो यार हाँ, आज हम बेब्लेड बर्स्ट, एवोल्यूशन, टर्बो एंड गाची से टॉप 5 ब्लेडर्स बाहर निकालेंगे। एंड एज यू नो दिस इज माई ओपिनियन लिस्ट, सो प्लीज डोंट ऑफेंड यार। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। यार हमने 1K सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए। आई होप कि हम लोग जल्द 5K, 10K एंड 100K को भी हिट करेंगे। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड आज की वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो ब्लेडर नंबर 5 में अपनी जगह बनाता है उसका नाम है लुई शिरोसागी। तो देखो, लुई को नंबर 5 पर रखने का यही कारण है कि इसको जितना स्ट्रॉन्ग बेब्लेड बर्स्ट में दिखाया गया है उसमें से इसको जितना स्ट्रॉन्ग इसको बेब्लेड बर्स्ट के फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है उतना स्ट्रॉन्ग उसे एवोल्यूशन टर्बो में नहीं दिखाया गया है एंड गाची में तो वो अपेयर ही नहीं हुआ है। सो यही कारण है लुई को नंबर 5 पर रखने का। बट देन भी लुई एक नंबर 5 पर जगह तो बनाता है ना। एंड या लुई शिरोसागी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड 5 बार चैंपियनशिप जीता है एंड या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है वो। तो यार लुई शिरोसागी हमारे लिस्ट के नंबर 5th पोजीशन पे जगह बनाता है। तो गाइस, जो ब्लेडर नंबर 4 पे अपनी जगह बनाता है उसका नाम है फाय। तो आपको फाय तो पता ही होगा, जो कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का मेन विलन था एंड एक सीजन में आके ही ये नंबर 5 पे नंबर 4 पे आया है। क्योंकि देखो, जो फाय है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड उसने फ्री डेलो होया, आइगर कबाने और शुकुरेना के बेब्लेड डिस्ट्रॉय भी करे है। तो आप समझ ही सकते हो कि फाय कितना स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड स्पार्किंग के भी रिटर्न होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यार फाय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है। तो यार फाय हमारे लिस्ट के नंबर 4th पोजीशन पर जगह बनाता है। तो गाइस, जो ब्लेडर नंबर 3rd पर अपनी जगह बनाता है उसका नाम है आइगर अकबाने। तो देखो, आइगर को नंबर 3rd में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बेब्लेड बेस्ट टर्बो का मेन प्रोटैगनिस्ट था एंड स्पार्क में भी ये रिटर्न हुआ है, बट इसने अब तक फ्री शू इनको अच्छे से ऑफिशियल मैच में जीता नहीं है। सो इसलिए इसको नंबर 3rd पर रखना पड़ा। बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड रिसेंटली बेब्लेड बेस्ट टर्बो का एपिसोड 1 आया है, तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको आइगर की जो पावर है फर्स्ट एपिसोड में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो यार आइगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। एंड हाँ, आप बेब्लेड बर्स्ट टर्बो को मार्वल HQ में देखना मत भूलना। रोज़ 7:30 बजे आता है, तो देखना यार। तो यार आइगर अकबाने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है। तो यार आइगर अकबाने हमारे लिस्ट के नंबर 3rd पोजीशन पे जगह बनाता है। तो गाइस, जो ब्लेडर नंबर 2 पे अपनी जगह बनाता है वो एक नहीं दो ब्लेडर्स है। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ फ्री डेलो होया एंड शुकुरेना के बारे में। देखो, मैंने फ्री एंड शू को नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों के बीच अब तक ऑफिशियल बैटल नहीं हुए एंड शू का एक जो फ्लैशबैक जैसा था उसमें फ्री ने उसको हरा दिया था, बट वो कोई ऑफिशियल मैच नहीं था, हमें ओनली एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई थी। सो अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल होती है तो ये देखने में मज़ा आएगा कि दोनों में से कौन जीतेगा। एंड यार दोनों भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है एंड यार दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं एंड फ्री तो एक समय में वर्ल्ड चैंपियन भी था। तो फ्री एंड शू हमारे लिस्ट के नंबर 2nd पोजीशन पे जगह बनाते हैं। तो गाइस, जो ब्लेडर नंबर 1 पे अपनी जगह बनाता है वो तो आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा एंड जिन्होंने गेस नहीं किया उनको बता दूँ कि नंबर 1 पे है वॉल्ट वाई। तो वॉल्ट तो बेब्लेड बर्स्ट एंड एवोल्यूशन का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड नंबर 1 लेजेंडरी ब्लेडर है। एंड या वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड बहुत ही पावरफुल ब्लेडर है एंड मैं एक वॉल्ट फैन भी हूँ। तो यार वॉल्ट वाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड आपको इसकी पावर तो पता ही होगा, अगर आपने बेब्लेड बर्स्ट, एवोल्यूशन, टर्बो एंड सब सीजन्स देखे हैं तो आप वॉल्ट को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे वॉल्ट के बारे में आपको उतनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में जानते होंगे। तो यार वॉल्ट वाई हमारी लिस्ट का नंबर 1st पोजीशन पर जगह बनाता है। तो गाइस, आज की वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना एंड फिर से मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।